जय हिंद। नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले कल का जो अभ्यास प्रश्न था, आप लोगों का प्रश्न था, उसका आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए पी विजयन, ऑप्शन बी एन पिलानी सामी, ऑप्शन सी विजय रूपानी, ऑप्शन डी एम ए गणपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पी विजयन, यानी पी विजयन का पूरा नाम है पिनरई विजयन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट्स कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। इसका कमेंट्स कीजिए, कुछ देर में रुकता हूँ। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन डी असम। अगला प्रश्न है, माली देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बमाको, ऑप्शन बी क्विटो, ऑप्शन सी अदिस अबाबा, ऑप्शन डी असमारा। चलिए इसका आंसर कीजिए, मैं कुछ देर देख इंतज़ार करता हूँ आपके आप लोगों के आंसर का, कमेंट्स का। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए बमाको। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र किस क्रम के आयुक्त बने हैं? ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी 23वें, ऑप्शन सी 21वें, ऑप्शन डी 25वें। इसका कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में उत्तर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 24वें। सुशील चंद्र वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी भाषा में रफाल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी आंधी, ऑप्शन डी वीर। चलिए इसका आंसर देखते हैं, कमेंट्स कीजिए लोग इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तूफान। फ्रांसीसी भाषा में रफाल का मतलब तूफान होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 4:2, ऑप्शन डी 3:1। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए 3:2 हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसी अनुपात में राष्ट्रध्वज बनता है, छोटा हो या बड़ा हो, साइज अलग हो सकता है। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है और एक सूचना भी है। निवेदन ये है कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए अग्रिम में बधाई धन्यवाद। और सूचना ये है कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के एक प्रश्न रहेगा, जैसा कि कल के वीडियो में था, उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला प्रश्न है, विश्व की पहली फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए सेफील्ड फुटबॉल क्लब, ऑप्शन बी ला लीगा, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी लैंकशायर। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेफील्ड फुटबॉल क्लब। सेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में सबसे पहले बनी फुटबॉल क्लब है। चलिए अगली भी जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइए। ऑप्शन ए प्रेम सिंह तामंग, ऑप्शन बी तिलक सिंह रावत, ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन डी विजय रूपानी। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।